आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स देखिए क्या होता है इसमें डेफिनेशन पढ़िएगा आप जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज और या इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट स्पीसीज को आपस में हम मिला लेते हैं इक्वल अमाउंट में जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जो रिच वाला है वो डोनर बने और जो डिफिशियंट यानी जिसमें कमी है वो क्या बन जाए एक्सेक्टर बन जाए तो इन दोनों के बीच जो जॉइंट होते हैं किससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से तो उसको जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स वेन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज आर मिक्स इन इक्वल अमाउंट इन विच इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर एंड द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज एक्ट एड द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दीज टू स्पीसीज आर जॉइन बाय अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एंड द कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म दैट इस कॉल्ड ऑर्गेनिक चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है ये है आपका वन थ्री डाई मैथिल बेंजीन जो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोना इसकी रिएक्शन हम कराएंगे पिक्रिक एसिड के साथ जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो ये आप उसमें क्या बनाते हैं कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के साथ जैसे ये देखिए डोना प्लस एक्सेप्टर जब मिलेंगे तो क्या बना लेते हैं वीक बाइंडिंग फोर्स बना लेते हैं यही होता है ऑर्गेनिक चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स अब इसमें हम देखिए हम अब सॉलिड एक्सपेक्ट से पढ़ रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होंगे टी सी एन क्यू यानी टेट्रा साइनोक्यूनॉन डाई मैथिन और क्लोरोनिल और इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर क्या हो जाएंगे टी पी एच यानी टेटरा मैथिल पैराफेनिल डाई एंड टी टी एफ यही है ये इनकी डाइग्राम्स बने हुए हैं अब यहाँ पर को देखिए इन्होंने क्या किया टी पी इनके आपस में रिएक्शन किए उसके बाद से देयर हैज़ बीन मच इंटरेस्ट फॉर द सेवरल ले इन टू कम्पोनेट्स इन ऑर्गेनिक सिस्टम विच इज़ कंपोनेंट इन जिसमें एक क्या होगा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा एंड सेकेंड क्या होगा एक्सेप्टर होगा सम ऑफ दिस बिहेव एज अ हायर कंडक्टिंग सिंथेटिक मटेरियल और ऐसा करके क्या बना देते हैं इन लोग हायर कंडक्टिंग मेटल बन जाते हैं एंड फ्यू आर सुपर कंडक्टिंग और बहुत सारे क्या हो जाते हैं सुपर कंडक्टर बन जाते हैं और सुपर कंडक्टर क्या होता है जो अपने किस में अपने जो प्रोसेस करता है वो बहुत लो टेम्परेचर में करते हैं दिस टेंडेंसी पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग सपोर्टिंग कंडक्टिविटी एट हाई टेम्परेचर इतना के एंड प्रोवाइडेड इम्पेक्ट्स टू द रिसर्च रिलेटेड न्यू मटीरियल्स तो ये था हमारा ऑर्गेनिक चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स